जी आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना व नोटिस आप सभी लोगों को बता दूं, जो कि आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। और यह वीडियो जो है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है आखिरी वीडियो है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे वीडियो बनाने के बावजूद भी आप सभी लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। उन सभी प्रॉब्लमों को निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो है एक दिन पहले ही जो है नोटिस जारी किया गया है एडमिट कार्ड को लेकर, उसी नोटिस के ऊपर बात करेंगे। इस नोटिस में कहा गया है कि बिहार बोर्ड ने जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया था, जिनका एग्जाम सेकेंड फेज में था, उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड जो है पोर्टल पर जारी कर दिया है। 6 तारीख को शाम में जारी कर दिया है, आज आपके 8 तारीख है, तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं प्लीज आप सभी लोग डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बता दूं, जिनके पास मैसेज व्हाट्सएप पर या एसएमएस में नहीं आया है वो भी बच्चे जो है डाउनलोड करें, मैसेज का इंतजार नहीं करें। साफ स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है मैसेज का इंतजार जो है मत कीजिए कि मैसेज आएगा तो हम डाउनलोड करेंगे, नहीं। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, जाइए साइट पर, वहां पर एप्लीकेशन आईडी डेट ऑफ बर्थ कैप्चा डालिए और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। जो बच्चे का एसएमएस आया है नहीं आया है कोई मायने नहीं रखता, अभी आप जाइए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। कुछ बच्चों का सुबह से जो है इनवैलिड प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग प्रयास करते रहे, आपका डाउनलोड हो जाएगा, समझ गए। अब हम नोटिस आपको बता देते हैं कि आखिर जो है नोटिस आपका क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है नोटिस यहाँ पर है कि देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु ऑनलाइन सीबीटी विधि आयोजन होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की परीक्षा से संबंधित होने वाले अभ्यर्थी और उनके अभिभावक से संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य जो है संबंधित परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनांक जो है 30/3/2024 एवं 31/3/2024 के स्थगित परीक्षा के पुनः परीक्षा की तिथि निर्धारित कर प्रवेश परीक्षा के पोर्टल पर दिनांक जो है 6/4/2024 को अपलोड कर दिया गया है। संबंधित परीक्षार्थी अपना उद्गत प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड कर ले सुनिश्चित करें। यानी कहने का मतलब है कि जिन बच्चों का, याद रखिएगा, जिन बच्चों का 30 मार्च और आपका 31 मार्च का एग्जाम जो है क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, उनका जो है एडमिट कार्ड जो है क्या किया गया है, एडमिट कार्ड जो है उनका डाउनलोड कर दिया गया है, मतलब कि उनको जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोग जो है जाइए साइट पर डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के दिनांक जो है 10 तारीख से लेकर, देखिएगा, 10 तारीख से लेकर 30/4/2024 तक जो है परीक्षा के सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जो है दिनांक 6/2024 को समिति की वेबसाइट पर जो है www.bihar.onlinebihargovernmentin.in पर जो है अपलोड कर दिया गया है। लिंक डाउनलोड एडमिट कार्ड डीएलएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट द्वारा अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, इसके अलावा के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं हो सकेगा, समझ गए, इसके अलावा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे का एग्जाम कैंसिल हुआ था या जिन बच्चों का सेकेंड फेज में आपका एग्जाम होने वाला है 10 तारीख से लेकर आपके 30 अप्रैल तक, समझ गए, तो आप सभी लोग जाइए इस वीडियो के नीचे अपना डाउनलोड कीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा लिंक मैसेज नहीं आया। बाबू मैसेज के चक्कर में मत रहे, डाउनलोड करें। रही बात अब जिनके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो जाइए बोर्ड ऑफिस, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जिनका इनवैलिड बता रहा है उनके पास भी विकल्प नहीं है, आप ट्राई करते रहें, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब कि आपका जो है पहले मैसेज आया होगा, मे बी आपने छोड़ दिया होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका पहले लिस्ट में ही नाम आ गया था, 24 तारीख को ही एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए और अब सेकेंड फेज में एडमिट का डाउनलोड करेंगे तो होगा, नहीं ना होगा। इसलिए जिन बच्चों का छूटा हुआ है डाउनलोड करें, नहीं हो रहा है बोर्ड ऑफिस में संपर्क करें। धन्यवाद।